खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, न्यूज एट सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब वहां पर हालात को सामान्य बनाने के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शोपियां जैसे अति संवेदनशील इलाके में आम लोगों के बीच गए। उनके साथ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ वो घुल मिल रहे हैं। सड़क पर जो खाना मिलता है वो खाना उन्होंने खरीदा, लोगों के साथ मिलकर उस खाने को खाया। दरअसल सरकार की तरफ से ये कोशिश है आम जनता का भरोसा जीतने की कि केंद्र की सरकार भले ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश क्यों ना बना दे, लेकिन ये सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके भरोसे के साथ है। इन तस्वीरों की आवाजों को थोड़ी देर सुनते हैं। ऑल ऑफ माय डीएमके फ्रेंड्स एंड योर ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की दुआ करते हैं, वो करेगा हमारी मदद। बस ऐसा अड्रेस नहीं कि किसानों की दुआ बड़ी पास वही तो है, असर भी होता है और दुआ आप लोग बिल्कुल मुकमिन रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा, आपकी हिफाजत आपकी सलामती यही हम लोगों का देख है। इस तरह से यह खुशहाली आए, इस तरह से आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया में अपना नाम कमा सकें, अपने लिए अपनी तजारत अपने मजहब और पुलिस के लिए इस्लाम की हिफाजत कर सकें और एक अच्छे इंसान की तरह क्या सब खैरियत से लोगों से मिल रहे हैं। अजीत डोभाल साहब, उनका भरोसा जीतने की कोशिश कि सब जो कुछ किया है सरकार ने आपके बच्चों के लिए भलाई के लिए किया गया है, आप सुकून से रहिए, आराम से रहिए, आम जीवन में आपके बदलाव नहीं आएगा, ये सब कुछ जो किया गया है वो आपकी भलाई के लिए किया गया है। चार अलग अलग तस्वीरें अजीत डोभाल साहब की, ये शोपियां इलाके की हैं। इस बात को कहना बहुत ज़रूरी है, शोपियां वो जगह जहां पर बुरहान वानी जैसा आतंकी था, जिसको मार गिराया था, उसका इलाका है ये, बहुत ही संवेदनशील इलाका। उस जगह पर जाके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कश्मीर के लोगों से मुलाकात की और फिर सेना के पैरामिलिट्री फोर्सेस के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के पास भी गए जो इस मुश्किल हालात में इस वक्त वहाँ पर तैनात हैं, उनका भरोसा जीत रहे हैं, जो वहाँ पर लोगों के मन में विश्वास डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य अतिशीघ्र हो जाएगा। अजीत डोभाल साहब बीते करीब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त से श्रीनगर में थे, लेकिन आज वो शोपियां पहुंचे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीनगर से पंकज झा जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस पूरे चीज़ को कवर कर रहे हैं। पंकज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस दौरे का, डोभाल साहब का शोपियां जाने का क्या मकसद है, क्यों ये कोशिश सरकार करती दिख रही है? सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि अजीत डोभाल का लंबा अनुभव रहा है और पुराना रिश्ता रहा है कश्मीर से, वो यहाँ आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर भी थे और आज जब वो गए, कल लगातार वो कंट्रोल रूम में और तमाम अधिकारियों से बातचीत की, हालात का जायजा लेते रहते, आज शोपियां गए। शोपियां जाने का क्या मतलब है? वो एक इलाका है जो टेररिस्ट का हॉटबेड कहा जाता है, वहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हुई जहाँ वो हो सकता था कि वो नॉर्थ कश्मीर भी जाए, लेकिन उन्होंने शोपियां जाने का ही फैसला किया। उसके बाद वीडियो क्लिपिंग्स देखी अलग अलग, एक से पूछ रहे हैं आपके सेब के बागीचे की क्या हालत है, आपके बच्चों की बेहतरी सलामती की बात कर रहे हैं, उनके साथ वो लंच कर रहे हैं, फिर वो जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों से कांस्टेबल से बातचीत कर रहे हैं, उनके बगल में खड़े हैं जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह। तो कहीं ना कहीं वो भरोसा जताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फैसला हुआ है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल, रीच आउट करने की कोशिश, आम जनता तक पहुंचने की सरकार की कोशिश के तौर पर इस कदम को देखा जा सकता है, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि देश भर से तो 370 के हटने का स्वागत हो रहा है, घाटी के लोग क्या सोच रहे हैं? घाटी के लोगों तक अजीत डोभाल का खुद चले जाना, खुद मिलना, ये दिखाता है कि सरकार सामान्य हालात को जल्द से जल्द सामान्य कर देना चाहती है। एम आई राइट पंकज? हाँ, कोशिश उनकी यही है, इसीलिए वो लोगों तक जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात उन तक पहचाना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, एक डायलॉग वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर वो खुद जाएं,
खुद देखें, वो पहले भी इस इलाके में रहे हैं और खुद जाकर के हालात देख के अपनी, अगर एक एनएसए जैसे अधिकारी वहां जाते हैं बात समझा रहे हैं तो शायद लोगों में भरोसा जगे। ये एक उनकी एक स्ट्रेटजी है और इसीलिए वो श्रीनगर से निकलकर आज शोपियां गए थे। बिल्कुल पंकज, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे गाड़ियां चल रही हैं, लोग बाग सड़क पर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की जनता भी समझ रही है कि 370 के हटने का उनको ही फायदा हो सकता है, होने वाला हो। लेकिन हम वो तस्वीरें एक बार फिर सुनवाते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और उस आवाज़ को ध्यान से सुनिए कि अजीत डोभाल साहब स्थानीय लोगों का भरोसा कैसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बागान है बहुत आपके, तो कैसा है फल? फल अच्छा है, शुक्र अल्लाह। क्या लगता है बड़ा अच्छा रहना चाहिए हमें? आप लोग बिल्कुल जुटे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा, आपकी हिफाजत, आपकी सलामती, यही हम लोगों का देखो है। इस तरह से ही आप खुशहाली आए, इस तरह से आप, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे यहाँ पर सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया में अपना नाम कमा सकें। रोज रोज को बंद करके रखा हुआ, इसको हटा के एक नया माहौल, एक नया